हेलो भाई, नवगीत होंडा वालों ने सबका बोलती बंद कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, सबका बोलती बंद कर दिया। बहुत लोग बोलते थे यार कि हॉर्नेट डिसकंटिन्यू हो जाएगी, कोई नहीं लेता उसको, कोई पसंद भी नहीं करता, कोई देखना तक नहीं चाहता। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, देखो होंडा वालों ने फिर हॉर्नेट 2.0 को लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में नए फीचर्स के साथ। साथ ही इसका प्राइस इतना ही इन्होंने कम रख रखा है कि लोग बग अपाची क्या ही लेंगे, इसी को ले लेंगे दबा के। इसको मात्र 1,39,000 के एक शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया है, 4 कलर ऑप्शन के साथ है। इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है, क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या इसका माइलेज है, क्या फीचर्स है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए मजा भरपूर आने वाला है, एंड तक देखना प्लीज भाइयों। इसका लुक आप देख सकते हो चारों तरफ से, लुक में कोई चेंज नहीं हुआ है भाई, बस ग्राफिक्स में इन्होंने थोड़ा सा छेड़छाड़ करा है। टैंक पे हॉर्नेट का बैज दे दिया है बड़ा सा एकदम, और साथ ही टैंक काउल पे आप देख सकते हो होंडा का 3D एम्बलम है, और इसके अलावा 2.0 का बैज है। मतलब यही थोड़ा छोटा मोटर काम किया गया ग्राफिक्स में, बाकी गाड़ी एकदम बीस्ट लगती है यार देखने वाइज। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। अब अपने को इंजन इसमें मिलेगा 184.40 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 Phase 2 प्रोग्राम FI इंजन, जो कि OBD2 कंप्लाइंट रहेगा E20 के फ्यूल के कैपेबल के साथ है। ये इंजन मैक्सिमम 17 BHP का पावर निकालता है भाई, और टॉर्क 16 Nm के राउंड मिलता है 15.9 Nm का। मतलब बहुत ही तगड़ी है भाई, पावर वाइज बहुत ही तगड़ी है अपने सेगमेंट में। हालांकि इसमें एक ही चीज़ मेरे को थोड़ा कमी लगता है, इसमें एयर कूल्ड आता है। अगर ऑयल कूल्ड दे देते ना तो मजा सा आ जाता है। और कुछ डिटेल की बात करें तो इसमें एग्रेसिव फ्यूल टैंक अपने को मिलता है, साथ ही पूरा लाइटिंग सेटअप अपने को LED में मिलता है, हैलोजन कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्प्लिट सीट मिल जाता है स्पोर्टियर जैसा एकदम, फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें अपने को मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलता। इसके अलावा सब चीज़ मिल जाता है जो आपको चाहिए, वो मिल जाता है, गियर पोजिशन टाइम वगैरह सब चीज़ है। इसके अलावा इसमें ESD फॉक्स सस्पेंशन दिया गया है, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, साथ ही इसमें नया असिस्ट स्लीपर क्लच ऐड कर दिया गया है, जो कि महंगी महंगी गाड़ियों में मिलता है, होंडा वालों ने इसमें ऐड कर दिया। सेगमेंट फर्स्ट है, मजा आपको आएगा गियर लगाने में अब हॉर्नेट अगर आप लेते हो तो। एक और चीज होंडा वालों का कहना है कि इसका डिजाइन एरोडायनेमिक है, हवा को चीरते हुए जाएगी, मतलब टॉप स्पीड वगैरह इससे बहुत ही अच्छा खासा आप अचीव कर सकते हो। और एक और बदलाव हुआ है इसमें, पहले अपने को इसमें वारंटी मिलता था 3 साल 42,000 किलोमीटर तक, लेकिन अब आप एक्सटेंड करा सकते हो 10 साल तक थोड़ा सा पैसा देके। बाकी की लगाने वाला सिस्टम अपने को टैंक पे मिलता है, साथ ही हजार्ड मिल ही जाता है इसमें, ड्यूल डिस्क मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS, रियर टायर 140 सेक्शन का मिलता है भाई, फ्रंट टायर अपने को 110 सेक्शन का मिलता है, जो कि दोनों 17 इंच का है। बाकी इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स मिलता है, 45 तक माइलेज लोग बग निकाल लेते हैं भाई इस गाड़ी से। इसके अलावा टॉप स्पीड की बात करते हो तो 130-135 तक लोग बग निकाल लेते हैं, जो कि थोड़ा सा कम है भाई अगर आप MT15 वगैरह से कंपेयर करो तो। बाकी डायमेंशन की बात करते हो थोड़ा सा, तो इसमें 12 लीटर का टैंक मिल जाता है, 142 kg का इसमें करवेट मिल जाता है। सीट हाइट इसमें मिलता है 790 mm का, जो कि ठीक है भाई, हर कोई चला सकता है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 167 mm का मिलता है, जो कि स्पोर्टी के हिसाब से ठीक है भाई। बाकी इसमें चेचिस अपने को डायमंड टाइप का मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मजबूत चेचिस इन्होंने यूज करा है। तो इतना चीज मात्र आपको 1,39,000 में होंडा दे रहा है, तो सोच ही सकते हो भाई कितना मतलब बढ़िया पैकेज होंडा वालों की तरफ से ये आ चुका है अब। हालांकि पहले भी था, लेकिन भाई असिस्ट स्लीपर क्लच पहले नहीं आता था, लेकिन अब इन्होंने ऐड कर दिया है, तो पहले से और भी बढ़िया ये परफॉर्म करेगी गियर बॉक्स वगैरह के मामले में। ऑन रोड प्राइस वगैरह की बात करते हो तो अपने यहाँ सासाराम बिहार में इसका ऑन रोड 1,60,000 के राउंड जाता है भाई। तो आपको ये हॉर्नेट का पैकेज कैसा लगता है भाई, मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो मेरे को ठीक लगता है, होंडा का ट्रस्ट मिल रहा है, इतना तगड़ा लुक मिल रहा है, माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, मेरे को बढ़िया लगता है भाई। लेकिन कुछ कुछ मैंने आपको कमी बताया, जैसे इसमें एयर कूल्ड मिलता है, मतलब 184 cc की गाड़ी है फिर भी एयर कूल्ड मिलता है, वो थोड़ा सा मेरे को कमी लगता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल कनेक्टिविटी इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है भाई, कौन ही यूज करता है मोबाइल कनेक्टिविटी, समझ रहे हो ना, मतलब जो काम का फीचर्स है वो इसमें दे रखा है। एक और चीज़ इसमें ऐड कर दे USB वगैरह तो मज़ा आ जाता। तो यही था भाई एक होंडा की तरफ से हॉर्नेट 2.0 में अपडेट, अब आ चुका है, अब जल्दी नज़दीकी शोरूम्स में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके टेस्ट राइड वगैरह या फिर देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद।